हमारे बीच परम सम्मानी बी आर गोयल जी, हेलो। अभी पड़रिया के बीच में जो ये मैच चल रहा है, इसकी आपको देखा कमेंट्री है। वैसे अपन ये तो नहीं है, पर कोशिश करेंगे। तो धोबगढ़ के ग्राउंड पे पड़रिया के खिलाड़ी द्वारा गुड सर्विस दिया जा रहा है, और तो कोई भी अंक वो नहीं ले सके। और इसी तरह से पड़रिया के ग्राउंड पे धोबगढ़ के प्लेयर द्वारा रेडी किया जा रहा है, और या तो कोई नंबर ले लेंगे, कोई नंबर नहीं अभी तक। तो धोबगढ़ ने अपना फादर खोल लिया है, और अभी पड़रिया का स्कोर बोर्ड जो है वो शून्य पर लटका हुआ है। आशा करते हैं सुखी राम दुर्वे इनकी सर्विस से लगता है कि कोई अंक मार ले जाए, पर अभी कुछ भी नहीं कहा जाता, और बिना अंक के रेडर वापस होगा। और इसी तरह से धोबगढ़ के प्लेयर द्वारा तो इसी तरह से पड़रिया के अंकल तो अंकल वीडियो बना रहे हैं द्वारा सर्विस थर्ड थर्ड रेडर जिससे बनता हो या अपन बोल ही नहीं दो हर ढाई रेड करो या मरो। और इसी तरह से कैच कर लिया गया, और अभी तक पड़रिया के द्वारा कोई भी अंक अपने स्कोर बोर्ड पे अंकित नहीं की जा चुकी है, जबकि धोबगढ़ टीम दो कितने धोबगढ़ टीम अपना खाता खोल चुका है। और इसी तरह से पुनः एक नंबर चार अंक ले चुके हैं, और पड़रिया की टीम का अभी कोई खाता नहीं खुला। आइए हमारे बीच सेमीफाइनल मैच पड़रिया के बीच में हो रहा है, बहुत ही रोमांच मैच। और इस समय धोबगढ़ की ओर से रेडर, और क्या कुछ होता है इसकी ताजा जानकारी देने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपलब्ध है। आशा राम वही के लीजिए हमारे बीच ताजा जानकारी देने के लिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है यहाँ पे हॉकी का, खेल आंखों देखा है, जो आपको कानों तक पहुंचाता था वो कमेंटर घर चले गए हैं, इसलिए हमको नहीं बनता है आपसे बात करेंगे, फिर भी हम ले चलते हैं खेल के लिए। लगता है रेडर क्या करता है, ऑल आउट होकर फिर पड़रिया अपने आंगन पे आ गए। देखते हैं कैसे करते हैं रेडर कैचर। हाँ बहुत अच्छी, ऐसे उठा लिए हाथ को तो पैर को, बहुत अच्छी धन्यवाद। अब कम से कम खाता तो खुला कम से कम। Shut up.
रेडर आउट। अब देखते हैं धोबर की ओर से न्योता दिया पड़रिया ने धोबर को। अब आइए भाई हमारे आने पर देखते हैं ये क्या करते हैं। इसलिए अब लास्ट जब तक रेडर रहेगा तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रेडर भी काफी चतुर चला, कोचर भी देखते हैं क्या करता है। ये लगता है तीन पॉइंट लेता है, तीन पॉइंट ले लिया धरगढ़ ने पड़रिया को। अब न्योता दिया पड़रिया को धरगढ़ ने। अब वो काम करते हैं, देखते हैं कहां तक ले जाते हैं, कैसे करते हैं। अब रेडर भी काफी चतुर चलाक है और केचर भी काफी चतुर चलाक, दोनों हंसी मजाक से खेलते हुए। मात्र यहाँ तीन ही खिलाड़ी बच गए, लगता है ऑन है, लगता है यहाँ टच पॉइंट मार लिया धोबगढ़ ने। अरे बच गया रेडर सुखीराम ध्रुव जी ने क्या कर रहा है देखते हैं। लेता है यहाँ उठाए लिए। अब दूसरा पारी एक पारी समाप्त हो गया। रेडर क्या करता है, क्या कर दिखाएगा, काफी चतुर चलाक केचर भी है यहाँ, तो देखते हैं क्या करता है रेडर की नंबर लेता है या देता है, ये तो समय ही बताएगा। अभी जब तक पूरा समय नहीं होगा तब तक अभी खेलता ही रहेगा, ये पूरा टाइम खेलेगा लगता है। अब देखते हैं पड़रिया के आंगन पे धोबगढ़ ने गया क्या करता है, क्या कर दिखाएगा केचर या रेडर। बहुत जबरदस्त मैच यहाँ अभी फंसा हुआ है, देखते हैं अपने फाइनल के में जगह कौन बनाता है आगे के प्रस्थान। बहुत ही सुंदर है यहाँ हर चौथा मैच।